और चिल्टन सेंटर पे हमने एक डोरबेल बनाई है जिसके लिए हमने पुरानी सीढ़ीज़ का इस्तेमाल किया है। ये यहाँ एक सीढ़ी दी गई है और उस पर एल्यूमिनियम फॉइल और वायर की इस्तेमाल से दो कनेक्शन हमने बनाई है और दूसरे सीढ़ी पर एल्यूमिनियम फॉइल की परत हमने लगाई है। जैसे ही हम ये एल्यूमिनियम फॉइल लगाई हुई सीढ़ी इस सीढ़ी पे ऐसे टच करते हैं तो दो कनेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं और हम इससे टच करते हैं और इसे दबाते हैं कनेक्शन जुड़ जाता है और बेल बजती है। बाहर की सीढ़ी के लिए जो हमने वायर इस्तेमाल की थी ये वायर यहाँ से आकर हमने इस चार्जर को फिट की है और चार्जर की एक वायर एक मोटर हमने यहाँ लिया डीसी मोटर यहाँ लगाई है और मोटर के एक वायर को हमने एक कनेक्शन दिया है और दूसरा वायर यहाँ दूसरे वायर को अटैच किया है। जैसे ही हम बाहर की सीढ़ी दूसरे सीढ़ी पर दबाते हैं और कनेक्शन जुड़ जाता है वैसे ही ये डोरबेल बजने लगती है। इसी डोरबेल से हमने दूसरा कनेक्शन भी निकाला है और दो और वायर्स यहाँ हमने फिट किए हैं जो एक क्लिप यहाँ हमने लगाई है और एक आइसक्रीम स्टिक जिसे एक डोरी हमने बांधी है कील की मदद से। इसी क्लिप में हमने दो नट लगाए हैं जैसे हमें आइसक्रीम स्टिक यहाँ से खींचते हैं तो कनेक्शन हो जाता है और यह अलार्म बेल बजने लगती है। इसका इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं कि मानो हम रात में सो रहे हो और बाहर से कोई अंदर आ रहा है तो इसके दरवाजे के खींचने की वजह से आइसक्रीम स्टिक इस क्लिप से निकल जाती है और आपस में कनेक्शन होने की वजह से दरवाजे की जो अलार्म हमने बेल लगाई है वो बजने लगती है। इसी बेल का इस्तेमाल हमने वाटर ओवरफ्लो अलार्म के लिए किया है। सेंटर के छत के ऊपर जो टंकी है उसमें सीढ़ी तार थर्मोकोल एल्यूमिनियम फॉइल एंड फील इसकी मदद से हमने वाटर ओवरफ्लो अलार्म लगाया है। ऊपर की सीढ़ी के लिए हमने दो कनेक्शन एल्यूमिनियम फॉइल और वायर की मदद से बेल से जोड़े हैं और नीचे की सीढ़ी हमने थर्मोकोल से कनेक्ट की है थर्मोकोल से जोड़ी है और उस पर भी एल्युमिनियम फॉइल की परत लगाई है। जैसे जैसे पानी बढ़ता आ जाता है वैसे ही पानी की तरफ की सीढ़ी ऊपर आकर ऊपर की सीढ़ी से टकराती है और एल्युमिनियम फॉइल के कनेक्शन आपस में जुड़ते हैं और बेल से कनेक्शन होने के बाद यह अलार्म बजने लगता है।